आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने हाल ही में गेहूं और चीनी के निर्यात पर बैन लगाया है। यह ऐसी कमोडिटीज हैं जो वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं, और भारत सरकार द्वारा इन पर बैन लगाने और खाद्य तेलों में ड्यूटी 2 सालों के लिए खत्म करने से कमोडिटी मार्केट के सेंटीमेंट्स में कुछ बदलाव आया है। मार्केट में सेंटीमेंट्स थोड़े नेगेटिव हुए हैं, इसी के चलते कमोडिटी मार्केट पर इसका प्रभाव देखने को मिला है और मार्केट में थोड़ी नरमी भी आई है। इसका असर सोयाबीन की कीमतों पर भी देखने को मिला। यूएस सोयाबीन वायदा $1697 तक कारोबार करता दिखाई दिया था, फिर इसमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिली और कीमतें $1680 के दायरे में कारोबार करती दिखाई दी। इस पर बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि शुरुआत में तो सोयाबीन और रिफाइंड सोया में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। रिफाइंड सोया तेल 15 से 20 से 15 से 30 और सोयाबीन 7000 के नीचे लुढ़क सकते हैं, लेकिन ये जो करेक्शन आएगी ये सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होगी। 2 से 3 महीनों के दौरान कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिलेगी और सोयाबीन फिर से 7700 से 7800 तक जाती नजर आएगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।